my name is arshi and today we are going to talk about mba in pharmaceutical management so the first thing is what is pharmaceutical management right so uh, this is basically aapko train karna right प्रोफेशनल फॉर मैनेजियल एंड रिलेटेड पोजिशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मे मेडिसिन मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं हॉस्पिटल्स हैं राइट जितनी भी मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं उसी में मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए आपको ट्रेन किया जाता है अगर आप एम बी ए इन फार्मास्यूटिकल करते हैं राइट इसमें स्किल्स में बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स मार्केटिंग कंसल्टेंसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसी चीज़ें आपको सिखाई जाती है राइट सो सम अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल डिग्री जो है राइट right? इसके अंदर द स्टडी ऑफ हेल्थ केमिकल साइंसेस कंबाइंड विद मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो आपको इस दो साल के कोर्स में कराई जाती है हाईलाइट लाइज दो साल का है सेमेस्टर वाइज है ग्रेजुएशन में 50 परसेंट टाइल होना चाहिए एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है फीस एक लाख से दस लाख की रहती है एवरेज सैलरी तीन से दस लाख की रहती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू नो पचास प्रतिशत एंट्रेंस एग्जाम आपको इंडिविजुअली कॉलेज का फॉर्म फिल करना है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में एम के लिए कंपल्सरी नहीं है आप उसके हिसाब से अपने कॉलेज लिस्ट कर सकते हैं नाउ वाई राइट Uh, मैंने एम बी ए इन फार्मास्यूटिकल स्पेशली यू नो कई सारे एम बी बी एस डॉक्टर्स को भी करते हुए देखा है राइट right? कि मैं यू नो एम बी बी एस करने के बाद अगर एम बी ए फार्मास्यूटिकल में करूँगा तो मैं किसी भी कॉलेज को सॉरी uh, हॉस्पिटल को मैं कॉलेज को कह रही हूँ किसी भी हॉस्पिटल को लीड कर सकता हूँ एंड यू नो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आई थिंक दो चीज़ें कभी नहीं बंद हो सकते हैं राइट right? एक बीमारी खत्म नहीं हो रही है टाइम के साथ बढ़ रही है तो आई मीन इट इट हैज वाइड स्कोप राइट अक्रॉस दी मेडिकल इंडस्ट्री राइट एंड दूसरी पढ़ाई मतलब ये दो चीजें कभी नहीं बंद हो सकती हैं सिंपल सी चीज़ है करियर और अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो आप इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जितनी भी हैं वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं राइट right? उसमें के साथ साथ अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ये थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करता है राइट उसमें आपको असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशंस, क्वेज इंटर्नशिप ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं जो कि इस कोर्स में रिक्वायर्ड रहती हैं सिंपल सी चीज़ है कि एवरेज पैकेज हम इसको एम बी मार्केटिंग से नहीं कंपेयर कर सकते हैं बट इसमें आपके पास जो यू नो पैकेजेस में हाइक आता है वो तब आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है आप जितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं उतना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है इन जनरल जो आपको एवरेज पैकेज मिलता है वो तीन से दस लाख का परायण मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से कॉलेज से किया है राइट सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ थिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं राइट right? आप नॉन नौ, टॉप नॉच फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हो इवन आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो राइट सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग मैं चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि मैं कहूँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री है बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो तो है बट यहाँ पे कॉलेजेस भी कम हैं राइट एंड कंपटीशन भी कम है तो ये थोड़ी सी नीच इंडस्ट्रीज में आता है नीच स्पेशलाइजेशन में आता है जिसको हर स्टूडेंट नहीं ऑप्ट करता है बहुत स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और उनको पता है कि उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है सिलेबस में यू you नो know, जो इसी से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है दैट इज अगर हम बात करें तो ये तो आई थिंक इन जनरल चीज़ है जो पढ़ाई जाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनाटोमी यू नो साइकोजी एंड फार्मकोलॉजी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस फार्मास्यूटिकल मल्टी नेशनल यू नो मैनेजमेंट देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट फार्मास्यूटिकल एडवांस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये सारी चीजें विच इज रिलेटेड टू तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो पढ़ाई जाती है मेजरली सेकेंड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम कैट जैट स्नैप सीमार्ट एनमार्ट कुछ भी देखिए आप ले सकते हैं कॉलेजेस वाइज बात करें एस पी जैन एस आई बी एम सब अलग एन एम आई एम एस अलाइंस एम ई टी एल पी यू चंडीगढ़ एन एम आई एम एस एच आई टी एस सो कई सारे कॉलेजेस जो अच्छे हैं वहाँ पे पैकेजेस दस लाख पंद्रह लाख बारह लाख के आसपास हैं कुछ कॉलेजेस हैं जिनके एवरेज पैकेजेस पाँच लाख छः लाख के आसपास से कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पैकेजेस नहीं भी हैं तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं देन स्कॉप यू नो आप पी कर सकते हैं अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं राइट फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यू नो विच इज इक्वल टू पी आप इसके बाद इवन अब्रॉड में भी प्लान कर सकते हैं राइट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप जितनी भी यू नो इंडस्ट्रीज हैं फार्मास्यूटिकल उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप जॉब कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस हैं ये टॉप इंडस्ट्री की बात करें तो रेनबैक्सी लैबोरेटरीज डाबर इंडिया सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन इन्फोसिस सिपला बॉट इंडिया ल्यूपिन सन फार्मा डॉक्टर रेड्डीज लैब पाइपर ये सारी कंपनीज है जॉब प्रोफाइल वाइज अगर हम बात करें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर साढ़े तीन लाख का पैकेज मार्केट रिसर्च एंड ड्रग डेवलपर साढ़े चार लाख का पैकेज सेल्स मैनेजर चार लाख का पैकेज ड्रग ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर फोर लाख फार्मास्यूटिकल परचेज मैनेजर साढ़े तीन लाख का इनिशियल पैकेज एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप यू लाइक अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा है प्लीज पूछो पूछो हक हाँ से एंड ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब